गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। हनी बी बीएससी एग्रीकल्चर के सिक्स सेमेस्टर में बेनिफिशियल इंसेक्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होता है। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट में आपका हनी बी एक प्रमुख है, जिसमें हनी बी है। हनी बी के एक जनरल इंट्रोडक्शन है जिसमें इस हनी बी का रियरिंग, कल्टीवेशन और प्रोडक्शन और इसका मार्केटिंग ईटीसी का स्टडी करते हैं, वो उसको बी कीपिंग या एपिकल्चर बोलते हैं, यानी जिसमें हम हनी बी का स्टडी और मार्केटिंग करते हैं उसको हम रियरिंग वगैरह करते हैं, यानी डिटेल से स्टडी करते हैं उसको हम बी कीपिंग या एपिकल्चर बोलते हैं। और जो इसका स्टडी है, जो इसका रियरिंग करता है उसको बी कीपर या अपियरिस्ट बोलते हैं। और इसका जिस एरिया पर इसका स्टडी किया जाए, इसका रियरिंग किया जाता है, जैसे प्रॉपर फिक्स लैंड एरिया होता है जहाँ पर इसका रियरिंग किया जाता है, यानी एक क्षेत्र जहाँ पर इसका रियरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको अपियरी बोलते हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। और अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक पोजीशन की, जिसमें सिस्टेमिक पोजीशन आप हनी बी सिस्टेमिक पोजीशन की बात करें अगर तो इसमें इसका जो किंगडम है एनिमेलिया है, किंगडम है एनिमेलिया, और इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और इसका क्लास है इंसेक्टा, आर्डर है हाइमेनोप्टेरा, आर्डर में ही हनी भी आता है, और ज्यादा से ज्यादा पैरासाइटिक फैमिली इसी हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत ही आती है। इसका फैमिली है एपिडी। वैसे तो हनी बी की काफ़ी सारी प्रजातियां प्रेजेंट होती हैं, जो 20,000 के आसपास प्रजातियां भी हनी बी की प्रेजेंट होती हैं। अगर लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो केवल 4 ही प्रकार की प्रजातियां हैं जो प्रेजेंट है, और चारों प्रकार की प्रजातियां अपने इंडिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर देखा जाए तो चारों प्रकार की प्रजातियां अपने इंडिया में ही पाई जाती हैं, जिनका कमर्शियल कल्टिवेशन किया जाता है। और अगर इसमें फैमिली की बात की जाए हाइमेनोप्टेरा में, जिसमें एक एपिडी है, जिसमें जिसी एपिडी फैमिली के अंतर्गत ही कमर्शियल कल्टीवेशन की जाने वाली सभी हनीबी की प्रजातियां इसी में एपिडी फैमिली में आती हैं। बाकी अदर हैं जैसे बॉम्बिसाइडी है और मेलोपोनिडी है, जो फैमिली हैं इन फैमिलियों से भी कुछ हनीबी बिलोंग करती हैं, जिनका कमर्शियल कोई कल्टिवेशन नहीं होता है, लेकिन वो हनी बी की ही प्रजातियां होती हैं। तो इसका फैमिली है एपिडी, जीनस है एपिस, और स्पीसीज है इंडिका। काफी सारी इसकी हनी बी स्पीसीज होती हैं, जैसे आपका एपिस एलिफेरा है, एपिस इंडिका है, और एपिस डोरसेटा है, एपिस फ्लोरिया है। तो इस तरीके से इसकी 4-5 प्रजातियां हैं जिनका कमर्शियल कल्टीवेशन किया जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एपिस फ्लोरिया की। एपिस फ्लोरिया ये अगर बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट बी के नाम से जाना जाता है, सबसे छोटी। अगर हम टोटल बात करते हैं इनके जितना कमर्शियल कल्टीवेशन, यानी 4-5 स्पीसीजों में से जितना हनी बी आता है उनमें से सबसे छोटी बी यही होती है, स्मॉलेस्ट हनी बी। और इसका अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इसका 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक का पर कॉम्ब प्रोडक्शन करती है, यानी 1 से 1.5 किलोग्राम
पर कम इसका प्रोडक्शन होता है, और इसका जो काम होता है वर्टिकल शेप होता है, वर्टिकल शेप होता है इसके काम में, वर्टिकल स्ट्रक्चर होती है। और इसकी एक सिस्टर भी पाई जाती है, इसकी एक सिस्टर भी होती है जिसको एपिस एंड्रेनिफॉर्मिस, एपिस एंड्रेनिफॉर्मिस बोलते हैं, यानी एपिस एंड्रेनिफॉर्मिस के सेम सिम्टम, सेम फीचर, सेम कैरेक्टर्स एपिस फ्लोरिया से मिलते जुलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये और एंड्रेनिफॉर्मिस और एपिस फ्लोरिया सिस्टर सिस्टर हैं। तो एपिस एंड्रेनिफॉर्मिस को सिस्टर बी के नाम से जाना जाता है। इनका जो स्टिंग होता है काफी डेवलप होता है, और इनके स्टिंग्स ये अपने अगर किसी ह्यूमंस को पेनिट्रेट करने में ये इसका स्टिंग्स काफी काम करता है। और स्टिंग यानी अगर कहें हम सीधे सी कि इसका स्टिंग डेवलप होता है। ये एपिस फ्लोरिया है, एपिस फ्लोरिया में एब्सकॉन्डिंग टेंडेंसी यानी अगर उसकी स्वार्मिंग की बात करें तो स्वार्मिंग टेंडेंसी बहुत ही तेज होती है। स्वार्मिंग टेंडेंसी, स्वार्मिंग टेंडेंसी इज टू हाई, काफी इनकी स्वार्मिंग टेंडेंसी बहुत तेज होती है। और ये अपने कॉम को, ये अपने कॉम को जैसे कोई श्रब्स है, झाड़ियां हैं, और कुछ कुछ पेड़ हैं, पेड़ों की टहनियां हैं, यानी छोटी पतली डाड़ियों में भी ये अपने कॉम को बना लेती है। तो ये इसके एपिस फ्लोरिया के कैरेक्टर्स हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट बी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद एपिस फ्लोरिया है, और एपिस फ्लोरिया के बाद हम एपिस मेलीफेरा की बात करते हैं। एपिस मेलीफेरा, एपिस मेलीफेरा, अगर एपिस मेलीफेरा की बात करें, इसमें एपिस मेलीफेरा का सबसे पहली बार आइडेंटिफिकेशन ए एस अटवल ने 1963 ईस्वी में, ए एस अटवल ने 1963 ईस्वी में पहली बार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया था। और उन्होंने, एस अटवल जी ने, इन्होंने देखा था कि एपिस मेलीफेरा है जिसका हम आसानी से आर्टिफिशियली ढंग से इसका हम रियरिंग कर सकते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपर या बी कीपिंग, मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1963 ईस्वी में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली बार इसका आर्टिफिशियली रूप से हम इसका रियरिंग कर सकते हैं, एपिस मेलीफेरा का इसका स्टडी इन्होंने पहली बार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया था। एपिस मेलीफेरा का जो इसका जो कैरेक्टर्स है, ये हम कह सकते हैं कि इसको हम आर्टिफिशियली रियरिंग कर सकते हैं, इसका हम आर्टिफिशियली रियरिंग कर सकते हैं। और चूंकि ये इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसमें एपिस मेलीफेरा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लगभग 55 से 60 किलोग्राम का प्रोडक्शन भी, हाईएस्ट प्रोडक्शन देखा गया है पर कॉम्ब में, यानी एपिस मेलीफेरा का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको रियोलिनाइज्ड हनी बी के नाम से जाना जाता है। रियोलिनाइज्ड हनी बी बोलते हैं, रियोलिनाइज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हनी के प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। इसमें हम आर्टिफिशियली ढंग से रियरिंग कर सकते हैं, और आर्टिफिशियली रियरिंग कर सकते हैं इसका मतलब है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं आर्टिफिशियली ढंग से सिरप वगैरह दे करके, इसीलिए इसको रियोलिनाइज्ड हनी बी के नाम से जानते हैं। अब इसका रियरिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो स्वभाव होता है बहुत टेम्परमेंट होता है, बहुत ही टेम्परमेंट स्वभाव होता है,
ही टेम्परमेंट स्वभाव होता है, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, और इसका जो नेचर होता है वो बिल्कुल फ्रेंडली नेचर होता है, किसी भी फार्मर्स को ये ज्यादा से ज्यादा काटती नहीं है, तो इसलिए इसका टेम्परमेंट स्वभाव होता है, बहुत ही शांत स्वभाव होता है। इसके बाद है एपिस सेराना इंडिका, एपिस सेराना इंडिका, एपिस सेराना इंडिका है, एपिस सेराना इंडिका, एपिस सेराना इंडिका भी, इसका भी आर्टिफिशियली रेयरिंग कर सकते हैं, इसका भी आर्टिफिशियली रेयरिंग कर सकते हैं, इसका भी आर्टिफिशियली रेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्वार्मिंग टेंडेंसी लो होती है, और इसमें स्वार्मिंग टेंडेंसी हाई होती है, और इसमें स्वार्मिंग टेंडेंसी लो होती है, इसीलिए इनका आर्टिफिशियली रेयरिंग कर तो सकते हैं, लेकिन इसका भी स्वार्मिंग टेंडेंसी लो होती है। स्वार्मिंग का मतलब होता है कि कोई सी भी हनी बी अगर अपना ब्रूडिंग सेटअप तैयार करती है, रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन करने के बाद एक अपनी ब्रीड्स तैयार करती है, और ब्रीड्स तैयार करने के बाद एक पूरी अपनी कॉलोनी बनाती है, और कॉलोनी बनाकर जैसे ही उसका पूरा यानी कास्टिंग, एक पूरी कास्टिंग हो गई जिसमें क्वीन हो जाती है, वर्कर्स हो जाते हैं, और वर्कर्स में ड्रोन्स हो जाते हैं, जैसे पूरी कास्टिंग तैयार हो जाती है, तो फिर अपना एक प्लेस, एक कॉलोनी को छोड़ करके अपनी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, यानी वो स्वार्म, एक पूरा का पूरा स्वार्म लेकर के किसी दूसरे प्लेस पर जाकर के एक न्यू अपनी कॉलोनी स्टार्ट करते हैं, यानी पहली कॉलोनी को छोड़ करके दूसरी कॉलोनी स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम स्वार्मिंग बोलते हैं। तो स्वार्मिंग टेंडेंसी इसकी लो होती है, हम एपिस मेलिफेरा की बात करते हैं, अगर स्वार्मिंग टेंडेंसी लो होती है, इसी कारण से हम इसका आर्टिफिशियली रेयरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आर्टिफिशियली रेयरिंग हम इसका भी कर सकते हैं, बाकी के जितना भी हैबिट्स है ये इससे मैच करता है, लेकिन इसमें जो स्वार्मिंग टेंडेंसी है वो हाई होती है, इसका भी फ्रेंडली नेचर होता है, और इसमें भी टेम्परमेंट्स हैबिट्स होती है, यानी इसका भी स्वभाव अच्छा होता है, और इसीलिए हम इसकी स्वार्मिंग टेंडेंसी हाई होने की वजह से इसका हम आर्टिफिशियली रेयरिंग नहीं कर सकते हैं, और करते हैं कुछ लोग, तो इसमें आर्टिफिशियली रेयरिंग इसका भी काफी मात्रा में होता है। अब इसकी हम बात करते हैं, इसमें जो कॉम्ब है पैरेलल कॉम्ब बनाती है, पैरेलल कॉम्ब का मतलब है कि ये अपने कॉम्ब को एक 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 में रख करके ये कॉम्ब जैसे हो जाता है, इसमें कॉम्ब के ऊपर कॉम्ब, कॉम्ब के ऊपर कॉम्ब, कॉम्ब के ऊपर कॉम्ब, कॉम्ब के ऊपर कॉम्ब, ऐसे टाइप्स में कॉम्ब को रखती जाती है, अपने छत्तों को रखती जाती है, इसलिए इसमें हैबिट्स होता है पैरेलल कॉम्ब बनाने का, और ये अपने जो कॉम्ब होते हैं वो ऐसी जगह पे बनाती हैं जैसे सॉयल ड्रेंच है, कहीं एंटिल्स है, एंटिल्स में मतलब जो बी वो जो दीमक्स होता है, जहाँ टर्माइट्स बनाती है, अंदर कोई छेद सा होता है ऐसी जगह पर, या पेड़ जो खोखला होता है ऐसी जगह पर ये अपने कॉम्ब को बनाती है, और ये ऐसी हर जगह पर प्रेजेंट हो सकती है जिसका सी लेवल 3000 3000 मीटर का सी लेवल है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसी पूरे एरिया पर इस ये प्रेजेंट हो सकती है, और अपने इंडिया में इसका ये सबसे ज्यादा इंडिया में प्रेजेंट होती है, अपने इंडिया में पाई जाती है, और अगर एपिस मेलिफेरा की बात करें तो एपिस मेलिफेरा ये इटली की है, जिसका ओरिजिन प्लेस इटली है, और ये इटली से ही यहाँ पर माइग्रेट हुई थी। इसके एपिस सेराना इंडिका की प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम हनी का प्रोडक्शन पर कॉम्ब करता है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्ब बना लेता है, तो पर कॉम्ब के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रत्येक कॉम्ब में अगर 6 से 8 किलो का ग्राम का प्रोडक्शन होता है, तो अगर 5 कॉम्ब भी बनाता है तो 40 45 किलोग्राम का प्रोडक्शन इसका एक सीजन में हो जाता है। और एपिस मेलिफेरा की बात की जाए तो एपिस मेलिफेरा को अपन एक साल में लगभग 4 से 5 बार हनी को निकाल सकते हैं,
और इसमें इसके आर्टिफिस सॉरी एपिस सेरेना इंडिका में, एपिस सेरेना इंडिका में 2 से 3 बार इसका हनी का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो ये है एपिस सेरेना इंडिका, और इसकी अगर स्वार्मिंग टेंडेंसी इसकी हाई होती है, और इसका स्वभाव भी फ्रेंडली नेचर का होता है। अब अपन बात करते हैं एपिस डोरसेटा की, और एपिस डोरसेटा इसमें बिगेस्ट हनी भी होती है, जिसको जिसका जो साइज होता है वो सबसे सभी हनी बी में सबसे बड़ा होता है। एपिस डोरसेटा का जो जनरल सिम्टम्स है, सबसे पहली बार तो ये सबसे खतरनाक बी होती है, जिसको जियांट बी के नाम से जाना जाता है। जियांट बी, जियांट का मतलब होता है राक्षस, यानी ये राक्षसी स्वभाव की होती है, इसलिए इसको जियांट भी बोलते हैं। और ये अपना कॉम्ब ऐसी जगह पे लगाती है जैसे रूप्स है, और कोई रॉक है, या कोई पानी की टंकी है, या ऐसी जगह पर पेड़ों को, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ऐसी जगह पे लगाती है, पत्थर की चट्टानों वगैरह पे लगाती है, अपने कॉम्ब को बनाती है, इसीलिए इसको रॉक बी के नाम से भी जाना जाता है। रॉक बी के नाम से जाना जाता है क्योंकि अपने ये कॉम्ब को ऐसी जगह पे लगाती है जैसे पत्थर की चट्टाने हैं, टंकी है, ऐसी जगह पे लगाती है, इसलिए इसको रॉक बी के नाम से जाना जाता है। इसका जो स्टिंग होता है बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, यानी और इसमें जो बी वेनम होता है, बी वेनम इसमें मतलब इसका जहर को बोलते हैं, बी जिससे बी के जहर को जिससे तैयार किया जाता है वेनम, बी वेनम इसी से सबसे ज्यादा तैयार किया जाता है। इसमें स्टिंग वेल डेवलप होता है, इसलिए इसको जियांट बी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा ही स्टिंग इसका डेवलप होता है, और आदमी को पेनिट्रेट बहुत ज्यादा करता है, इसलिए इसको जियांट बी के नाम से जाना जाता है। अगर इसका साइज की बात की जाए तो लार्जेस्ट होती है, ये लार्जेस्ट साइज होता है इसका, जो 20 mm से भी ज्यादा इसका साइज होता है हनी बी का। और अगर इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका 35 से 40 किलोग्राम पर कॉम का प्रोडक्शन होता है, 35 से 40 किलोग्राम पर कॉम का प्रोडक्शन होता है। इसका जो एपिस फ्लोरिया होता है, एपिस फ्लोरिया को इसमें स्वीटेस्ट हनी प्रेजेंट होता है, स्वीटेस्ट हनी भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही मीठा हनी होता है एपिस फ्लोरिया का। और इसका जो एपिस डोरसेटा का जो है प्रोडक्शन है 35 से 40 किलोग्राम पर कॉम का प्रोडक्शन होता है, और इसमें जो स्वार्मिंग टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। स्वार्मिंग टेंडेंसी टू हाई होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इसी कारण से इसका हम आर्टिफिशियल रियरिंग नहीं कर सकते हैं, इसका हम आर्टिफिशियली रियरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्वार्मिंग टेंडेंसी बहुत हाई होती है। और एक भी इसमें क्वालिटी होती है जो माइग्रेशन की क्वालिटी होती है, सबसे ज्यादा माइग्रेट कर सकता है, और माइग्रेशन का मतलब होता है अगर एडवर्स कंडीशन होती है हनी बी के रियरिंग में, अगर उसको एडवर्स कंडीशन मिलती है, एडवर्स कंडीशन का मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाना, अचानक टेम्परेचर का बढ़ जाना, या पानी ज्यादा ज्यादा होना, या ज्यादा अचानक ठंडी हो जाना, या कुछ शेडिंग की प्रेजेंट ना होना, प्योर पानी प्रेजेंट नहीं होना, ऐसी अगर कुछ एडवर्स कंडीशन आती हैं तो हनी भी क्या करती है, ये अपना वो एक काम छोड़ करके दूसरे प्लेस पर चली जाती है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। यानी अगर कुछ एडवर्स कंडीशन के कारण अपने एक कॉलोनी को छोड़ करके दूसरी जगह या दूसरे काम्ब में चली जाती है, दूसरे ऐसे प्लेस पर जाती है जहां उसके लिए एडाप्टेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, उस जगह पर अगर चली जाती है तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ये है हनी बी का स्पीसीज, जिसमें 4 प्रकार की हनी बी स्पीसीज होती हैं, एपिस फ्लोरिया है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस सेराना इंडिका है, और एपिस डॉर्सेटा है, जहां पर एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा बेस्ट हनी बी होता है, और इनका कंपरेटिव स्टडी भी मैंने बताया है कि एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा में इनका आर्टिफिशियली रियरिंग होता है, लेकिन कुछ कारण से एपिस सेराना इंडिका का कमर्शियल कल्टीवेशन कम होता है अपने इंडिया में, और अपने इंडिया में ही है जो चारों स्पेसीज सबसे ज्यादा और बड़े लेवल पर प्रेजेंट होती हैं। और बाकी जो अगर वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो एपिस मेलिफेरा है जो पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक कंट्री में भी ये स्पेसीज मिल जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।